हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आज हम क्लास 11 के चैप्टर 6 का अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर हम उनका एक्सप्रेशंस बताएंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो कैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जैसे नाम से आपको पता चल रहा हो, काइनेटिक मतलब इन मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उसकी मोशन की वजह से होती है, यानी द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है एनर्जी जो किसी बॉडी में स्टोर होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। जैसे मान लो कोई चीज़ ग्राउंड पे पड़ी है तो हम बोलेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ वो ग्राउंड से ऊपर आती है और मान लो टेबल पे एक बुक रखी हुई है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, तभी तो जैसे उसको मौका मिलता है वो चीज़ नीचे की तरफ गिर। अगर किताब को आप हल्का सा कोने पे रख दोगे और जैसे ही मिसबैलेंस हो जाएगी तो वो टेबल से नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं उस जहाँ पर m जो है वो जिस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी की बात करें उसका मास है और v उसकी वेलोसिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसकी हम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, h जो है हाइट है अबोव द ग्राउंड और g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री फॉल मोशन की बात हम कर रहे हैं। जैसे ये था, ये एक ग्राउंड है और हमने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पर रखा हुआ है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम एम जी एच कहेंगे। देखिए, जब ऑब्जेक्ट को आप एक हाइट पर रखोगे तो क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का उसको अपनी तरफ खींचेगा, एम अगर उसका वेट है, जी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो हम अर्थ के सरफेस पे मोर और लेस कॉन्स्टेंटली मान के चलते हैं जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। ठीक है, अब हमने पिछले वाली यूनिट्स में एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और डी इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट फ्रीली स्पेस में गिरता है तो जैसे कैसे, जैसे मान लो मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, ये मार्कर ऊपर गया 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 लेकिन एक हाइट तक ही जाएगा, उसके बाद ये वापिस आ जाएगा, तो जब बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। ठीक है, और जब ये ग्राउंड पे टच करता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी, फाइनल वेलोसिटी। और एक्स ए, क्योंकि फ्री फॉल आ रहा है तो ए एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ से जब यहाँ गिरेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच हुआ, डी इज इक्वल टू एच। इसमें रखो यू को जीरो रखा, वी को वी, ए को जी रखा और डी को एच रखा, तो ये होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हमने दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh। और फिर हमने इस दो को इधर ले आए तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है, और जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, उस टाइम वेलोसिटी उसकी v होती है। तो ये इसके ऊपर काफ़ी ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, जो मैंने पिछले बार वर्क का फॉर्मूला बताया था f डॉट d एफ डी cos थीटा, वो भी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये भी फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे।
तो ये आपका था कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने ये उतार भी लिया होगा। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी प्रकार की कोई अगर डाउट है आप, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनको भी आगे शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही हम अच्छे से, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से मैं पढ़ा सकूँगा, अच्छे से और अच्छे से मैं प्रिपेयर करके लेक्चर्स बनाऊंगा। तो ये था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहिए। मिलेंगे एक बार फिर से आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।